हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत कार्य यानी कि वीपीओ के मेंस परीक्षा के जो है प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, लगा रहे थे। तो इसमें आज हम आठवां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। टोटल आपको टाइम जो मिलेगा एग्जाम में 2 घंटे का मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, ठीक है। तो फुल प्रैक्टिस सेट इसमें हम देखने वाले हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। इसमें 65 क्वेश्चन जो है ग्राम पंचायत से है रिलेटेड है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल है। तो इस तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसी क्रम में आगे कंप्यूटर, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में हम यूपी स्पेशल देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है इनमें से, ठीक है, दिया गया बताना है। इनमें से राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी, इसमें से बताना है कि कौन कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है यानी कि संवैधानिक के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें से कौन कौन से आते हैं ये बताना है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 के ZA में इसके बारे में बात कहा गया है, ठीक है। तो ये संवैधानिक प्राधिकरण हो जाएगा। इस तरीके से राज्य वित्त आयोग की बात भी संविधान में किया गया है 243 के I में और 243 के Y में, ठीक है, दो जगह बातें की गई हैं वित्त आयोग के बारे में। जिला पंचायत की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में भी बातें कही गई हैं अनुच्छेद 243 के B, ठीक है, B में बातें कही गई हैं। तो इस तरीके से, और राज्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में संवैधानिक अनुच्छेद कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जो है क्या है, संवैधानिक प्राधिकरण राज्य निर्वाचन आयोग नहीं होगा, बाकी 1, 2 और 3 ये तीनों जो है क्या होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग होंगे, तो संवैधानिक प्राधिकरण होंगे। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किन के सृजन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जो 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें से किसके जो है सृजन करता है, किसकी स्थापना करता है, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग और राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन इस संविधान संशोधन के तहत जो है सृजन किया जाता है। तो इसमें जो चीज़ें गठित होती हैं 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 था, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है, ठीक है, और जिला नियोजन समिति का जो 74वां संविधान संशोधन के तहत होता है। तो ये सभी जो है इसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। बाकी ये चौथा जो ऑप्शन दिया गया ये नहीं उत्तरदायी है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा का, इसमें भी बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि जिसको हम मनरेगा कहते हैं, उसी का ये फुल फॉर्म है, ठीक है, मनरेगा का। और इस योजना को बताना कि इस योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ग्राम पंचायत को जो है इसको जो है अथॉरिटी दिया गया है कि इसके तहत जो जिम्मेदारी दिया गया है कि संपादन कराया जाए और योजना बनाया जाए, ठीक है, और क्रियान्वयन कराया जाए, ये सभी जो है ग्राम पंचायत को बात इसमें कहा गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को भारत में किसके द्वारा लागू किया गया। तो स्थानीय स्वशासन जो है ये लागू किया गया था रिपन के द्वारा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट रिपन इसका सही है। 1882 में इसने जो है सर्वप्रथम भारत में लागू किया था और उस समय ये वायसराय रहा था भारत का रिपन, तो इसने जो है सर्वप्रथम इसकी पहल की थी इसके गठन को, ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या जनक कहा जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, रिपन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। 1882 में गठन करने का पहल किया गया था सर्वप्रथम इसी का, और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही पार्ट। चलिए अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण पर जो है रॉयल आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो विकेंद्रीकरण पर अगर हम बात करेंगे रॉयल आयोग की, तो ये स्थापना हुआ था 1907 में, ठीक है, 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को जो है CEH होब हाउस एक थे उनकी अध्यक्षता में जो है
विकेंद्रीकरण पर जो है रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? ठीक है, ये किसके द्वारा घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का नीति का उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना? तो ये घोषित किया गया था मॉन्टेग्यू के द्वारा। आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 20 अगस्त 1917। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया था कि उसकी उसका उद्देश्य जो है वो भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो रामायण में भी स्थानीय स्वशासन प्रणाली का वर्णन मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट ए व बी, दोनों ऑप्शन जो है सही है। रामायण के अध्ययन से आपको संकेत मिलता है कि प्रशासन जो है दो भागों में बटा था, पुर और जनपद। ठीक है, जनपद, पुर और जनपद, ये रामायण में मिलता है। जनपद मतलब नगर, या फिर इसको नगर और ग्राम, ये दोनों मिलाकर जो है जनपद बनते थे। तो ये पुर और जनपद दो भागों में जो है रामायण के अनुसार जो है प्रशासन के लिए विभाजित था। और महाभारत में शांति पर्व में जो है ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह किया जा सकता है कि यह एक प्रयोग है और किसका प्रयोग है? तो स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में किया जा सकता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य हेतु सहयोग की जरूरत पड़ती है और किसकी जरूरत पड़ती है? तो पंचायती राज को सफलतापूर्वक अगर सफल करना है उसको अगर कार्य करने के लिए जो है, तो सबसे ज़्यादा उसमें स्थानीय जनता के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता की। ठीक है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का अर्थ ही है स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा जो है स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में उल्लेख है कि राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकती है? ठीक है, ये जो अधिनियम है 1947, उसमें किस धारा में ये उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार जो है पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकती है? तो वो धारा है 11। ठीक है, धारा 11 के 4 में जो है ये वर्णन कहा गया है, बातें कही गई हैं। ठीक है, कि राज्य सरकार जो है पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकती है। तो 11-4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम प्रधान के निर्वाचन का उल्लेख है? तो ग्राम प्रधान के निर्वाचन का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद धारा 11 के ख में किया गया कहा गया है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धारा 11 के ख में जो है ग्राम पंचायत का प्रधान किसी क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जो लिए जो है निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। यह बातें जो है धारा 11 के ख में जो है बातें कही गई हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेतर रोक से संबंधित है? कौन सी धारा के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं ये बताना है। तो देखिए, ये जो अधिनियम 1947 है उसकी धारा 11 के अंगा में जो है ये बातें कही गई हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा कि एक साथ दो पद धारण करने पर जो है अग्रेतर रोक का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि अगर कोई ग्राम या खंड या फिर जिला स्तर की पंचायतों को संगठित करने के लिए हुए जो निर्वाचनों में यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक स्तरों की पंचायतों का सदस्य चुना जाता है, तो वह निर्वाचनों के परिणाम की घोषणा के दिनांक से 60 दिन के अंदर एक स्थान को छोड़ देगा और अन्य सभी स्थानों से अपना त्याग पत्र भी जो है एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपना त्याग पत्र जो है प्रस्तुत करेगा। यानी कि एक मतलब एक स्थान को कोई रखेगा, बाकी सभी से जो है क्या करेगा, त्याग पत्र देगा। तो ये बातें धारा 11 अंगा में बातें कही गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है? ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख जो है धारा 12 में कहा गया बात है। ठीक है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा, 12 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 1947 की धारा 12 के 3 में यानी कि का के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, इसमें अब दो क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है या फिर धारा को ऑप्शन में दे देगा और आपको ये पूछ लेगा कि कौन सी धारा के अंतर्गत कहा गया कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।
ठीक है, तो धारा के 12 के 3 आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में प्रधान के लिए निर्वाचन की रीति का उल्लेख है? ठीक है, कौन सी धारा में प्रधान के निर्वाचन के लिए बातें कही गई हैं? तो वह है वह धारा कौन सा है? तो वह है धारा 12 का क। ठीक है, 12 का क में ये बातें कही गई हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में ग्राम पंचायत की बैठकों का उल्लेख मिलता है? तो ग्राम पंचायत की बैठक का उल्लेख जो है 12 के ख में मिलता है। ठीक है, 12 के क में जो है प्रधान के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है और 12 के ख में ग्राम पंचायत की बैठक का उल्लेख है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ये जो उल्लेख किया गया है ये 12 के ख में किया गया है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान है? ठीक है, अभी इस प्रैक्टिस सेट में जो है अधिकतर धारा से संबंधित बातें कही गई हैं, तो इसलिए हर एक प्रैक्टिस में एक स्पेशल जो है सब्जेक्ट को लिया गया है, स्पेशल स्पेशल जो है टॉपिक को लिया गया, उससे जो है प्रैक्टिस सेट बनाया गया, इसलिए आपको पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है जितना भी कराया है, तभी इसका आपका भरपूर जो है एग्जाम में फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें धारा की बातें चल रही हैं, तो इस तरीके से हर एक प्रैक्टिस सेट में अलग अलग जो है चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस सेट कराया हुआ मतलब लिया गया है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है कि अधिनियम 1947 किस धारा में प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान, तो यह है धारा 14 में। ठीक है, धारा 14 में जो है प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न में बताना है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख जो है ये धारा 15 में कहा गया है। ठीक है, धारा 14 में हटाने का प्रावधान है और धारा 15 में जो है कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय निकायों को सर्वप्रथम वित्तीय हस्तांतरण के लिए सिफारिशें किस वित्त आयोग के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये जो किया गया था ये 10वां वित्त आयोग था जिसके तहत किया गया था, ये सिफारिश किया गया था। ठीक है, और 10वां वित्त आयोग जो 1995 से लेकर 2000 तक ये आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? श्री केसी पंत थे। केसी पंत जो थे इसके अध्यक्ष थे 10वें वित्त आयोग के, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है जून 1992 में ये आयोग 10वां वित्त आयोग का गठन किया गया था, और फिर इन्होंने ही सिफारिश किया था कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण के लिए सर्वप्रथम जो है हस्तांतरण किया जाए, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है किसे सौंपता है? तो राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो राज्यपाल को सौंपेगा, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के द्वारा 2020-21 रिपोर्ट में 90,000 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों को अनुशंसित अनुदान में ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात कितना कितना है? तो ये जो अनुपात रखा गया यह है 67.5:32.5। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण एवं शहरी निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग ने 2025-26 में अनुदान का अनुपात जो निर्धारित किया वो कितने कितने अनुपात में निर्धारित किया है? तो वो जो निर्धारित किया गया वो 65:35 में निर्धारित किया गया है, ये 15वें वित्त आयोग के द्वारा कहा गया, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के लिए शर्त रहित एवं सशर्त अनुदान का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? तो ये होता है जो है 90:10 का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। और नगर पालिकाओं के लिए अगर पूछा जाएगा तो नगर पालिकाओं के लिए 80:20 का है। ठीक है, नगर पालिकाओं के लिए 80:20 का है और पंचायतों के लिए जो है 90:10 का है, तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में सर्वाधिक भारांक किसका होता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो जनसंख्या का होगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट जनसंख्या ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रदेश के कुल करों की शुद्ध आय का कितना प्रतिशत पंचायतों को हस्तांतरित करने का जो है निर्णय लिया गया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है वो 5.5% जो भाग है पंचायतों को हस्तांतरित करने का जो है निर्णय लिया गया है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्ष पर किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन की अगर हम बात करेंगे तो वित्त आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में बातें कही गई हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
राज्य बिताव का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्य बिताव का गठन होता है अनुच्छेद 243 आई के तहत। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर जो है राज्य बिताव का गठन का प्रावधान है, तो आंसर क्या जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवरण दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है। तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरुआत किया गया था? देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2014 में, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और शुरू किसने किया था? तो उस समय के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, तो आंसर ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, ठीक है, नवंबर 2014 में इसकी जो है शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नोडल एजेंसी किसे बनाया गया? तो नोडल एजेंसी जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में REC कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है यह शुरुआत किया गया था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कब शुरुआत किया गया है? तो 2009 में इस योजना को शुरुआत किया गया था, और 2019 से जो है ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को जल शक्ति मंत्रालय में मिला दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हर घर जल का लक्ष्य कितना कब तक है? तो हर घर जल का जो लक्ष्य रखा गया है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप, तो वो रखा गया है 2030 तक, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हर एक ग्रामीण घर को सुरक्षित तो और पर्याप्त पेयजल जो है उपलब्ध कराने का देश का जो है ये दीर्घकालिक लक्ष्य है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम द्वारा कब तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना जो है लक्षित है या लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के द्वारा, तो ये 2024 तक रखा गया, ठीक है। लेकिन अगर सतत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप, तो 2030 तक हो जाएगा। दोनों में आपको ये डिफरेंट याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, SGRY में EAS यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एवं JGS यानी जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना दोनों को कब मिलाया गया था? तो ये दोनों को मिलाया गया था 25 सितंबर 2001 को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 25 सितंबर 2001 में जो है मिलाया था, और इसी दिन जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था, इसी दिन जो है मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में से शुरुआत किया गया था? तो कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी, जो कब हुआ था? तो ये 1998 में हुआ था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम KCC कहते हैं, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, ये योजना थी जो 1998 में अगस्त 1998 में जो है शुरुआत किया गया था, और इसमें 4% ब्याज दर जो है लगता है, ठीक है, किसानों को, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, ठीक है, ABRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी धनराशि कितनी है? तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना में जो प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो 25% रखा गया है, और जो अधिकतम आर्थिक सहायता जो रखा गया वो 7,500 रुपये रखा गया है, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए। और यहीं वहीं इस योजना में के अंतर्गत अगर SC ST की बात करेगा तो SC ST के अंतर्गत जो है ये धनराशि जो है 33% या फिर अधिकतम 10,000 रुपये की बात कही गई है, ठीक है। तो SC ST अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से 33% या 10,000 रुपये, सामान्य वर्ग के लिए 25%, 7,500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा क्या है? ठीक है, ऊर्जा गंगा जो कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ये क्या है? तो ये एक क्या कुछ किस प्रकार की परियोजना है? तो ये एक प्रकार की पेट्रोकेमिकल पाइपलाइन परियोजना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसका लक्ष्य क्या है? देश के पूर्वी भाग के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG जिसको कहते हैं, ठीक है, PNG, और वाहनों के लिए जो है CNG का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और इन दोनों गैसों को उपलब्ध कराना इसका जो है मेन लक्ष्य है।
ठीक है, इसका अगर हम बात करें इस परियोजना की आधारशिला, तो प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था अक्टूबर 2016 में। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। कहाँ पर किया गया था? तो ये वाराणसी में इसकी आधारशिला रखा गया था। ठीक है, वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरुआत कब किया गया? तो ये जो शुरुआत किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए, ये मिशन कार्यक्रम की शुरुआत 1991 में किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1991 में जो है किया गया था। 2010 में इसका नाम बदलकर पेयजल और स्वच्छता विभाग कर दिया गया था। किसका नाम बदला गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग का गठन 1991 में पेयजल और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था, और इसी विभाग का नाम बदलकर पेयजल और स्वच्छता विभाग कर दिया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये यूपी का क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बात करेंगे बिजनौर जनपद में, तो बुक्सा जनजातियाँ निवास करती हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बुक्सा जनजाति जो है अधिकतर, बुक्सा जनजातियाँ कहाँ पर निवास करती हैं? बिजनौर जनपद में। ठीक है, भोटिया या भूटिया जनजाति है, सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है? बहुपति विवाह प्रथा, तो बहुपति विवाह यानी कि एक से अधिक मर्दों के साथ शादी, तो ये जौनासारी जो जनजाति है इसमें पाई जाती है। आंसर सी आप समझ जाएगा। ठीक है, जौनासारी जनजाति जो है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? तो सामाजिक विकास को सूचकांक जो हैं, इनमें से मानव विकास सूचकांक ये भी इंगित करता है, मानव निर्धनता सूचकांक, लिंग संबंधी विकास सूचकांक, तो सभी जो है इंगित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है इनमें से? तो निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष जो कि है, निर्धनता, प्रचंड बेरोजगारी में कमी, ये जो है सामाजिक विकास का कोई मतलब नहीं है। सामाजिक समरसता, समाज में उचित स्थान, ये भी है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? ठीक है, भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार इनमें से कौन सा कार्यक्रम बना था? तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उस कार्यक्रम का नाम है सघन कृषि जनपद कार्यक्रम। ठीक है, 45 के अगर हम आंसर की बात करें, तो भारत में हरित क्रांति का आधार सघन कृषि जनपद कार्यक्रम ये बना था। और हरित क्रांति के जनक जो भारत में अगर बात करेंगे, तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक है इनमें से? तो यहाँ अगर देखेंगे तो अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग हरित क्रांति में किया गया था। ठीक है, उन्नत सिंचाई का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, तो सभी जो घटक इसके अंतर्गत आते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो निर्मल ग्राम योजना का संबंध इनमें से अगर देखा जाए, तो मल मूत्र, ठोस, अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुआ था सन 2003 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांव क्षेत्रों में जो खुले में शौच से मुक्त दिलाना और महिला ढोने की प्रथा को जो है समाप्त करना, इसका मेन उद्देश्य रहा था। अगला प्रश्न है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से किया गया? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी NFWP की शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 14 नवंबर 2004 को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, 14 नवंबर 2004 को किया गया था। जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण का कार्य क्या है? तो जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण का कार्य की अगर हम बात करेंगे, तो यह आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ग्राम विकास के लिए योजनाएं बनाना इसका काम है। शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों में आवंटन करना इसका कार्य है। ग्राम परियोजनाओं, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन भी करना इसका कार्य है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY कब शुरुआत किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2000 में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दिसंबर 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी 50 और बाकी हैं, चलिए उनको भी करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का इसमें से विलय कर दिया गया है? तो इनमें से अगर देखा जाए, तो काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोनों को विलय कर दिया गया है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम सचिव की नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे, तो ये सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
और ग्राम सचिव जो होता है ग्राम से जुड़े विकास कार्यों को देखता है। यह सरकार और ग्राम पंचायत के बीच का क्या होता है, कड़ी होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का कारण जो रहा था वो था लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करवाना। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय कब घोषित किया गया? तो स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया था। इसके द्वारा प्रांतों में दो शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों के संबंध में सही नहीं है? इनमें से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत का चुनाव करवाया जाता है जो कि सही है। ठीक है, दूसरा मैंने बी ऑप्शन दिया गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो पंचायतों के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं हुआ था, इसके लिए हुआ था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में, वो एक नगर पालिका के द्वारा नगर पालिकाओं के लिए होता है, उनका नाम नगर पालिका रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, बाकी इसमें से सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी सही है। किसी पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाना आवश्यक है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा इनमें से है? ठीक है, 50% आरक्षण इनमें से कौन सा राज्य पहला राज्य बना है? तो वो राज्य है बिहार। बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण किन राज्यों में इनमें से लागू नहीं है? देखिए इसमें से अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, गोवा में लागू नहीं। ठीक है, गोवा में 50% का प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं इनमें से? तो बलवंत राय मेहता समिति तो है, अशोक मेहता भी है, एलम सिंह भी, वेसंथानम समिति नहीं है संबंधित। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इनका संबंध जो था वो केंद्रीय सतर्कता आयोग से रहा था, संथानम समिति का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सभा, सरकारी समिति, इनमें से कौन सा एक जो है पंचायती राज संस्था की संस्था नहीं है? तो वो हो जाएगा सरकारी समिति नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? परिवार कल्याण, पेयजल, पुस्तकालय, अग्निशमन सेवाएं, इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए 11वीं अनुसूची में जो 29 विषयों का वर्णन किया गया उसमें से परिवार कल्याण आते हैं, पेयजल भी आता है, पुस्तकालय भी आता है, अग्निशमन सेवाएं उसमें नहीं आती। ठीक है, और ये 11वीं अनुसूची में अगर हम बात करेंगे इसमें, इसके अलावा मत्स्य उद्योग भी आता है, लघु वन उत्पत्ति हो गया, ईंधन पशुचारा हो गया, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय आदि सभी जो है शामिल है, जबकि अग्निशमन सेवाएं इसमें शामिल नहीं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर। ठीक है, डेट याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 को। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत किया गया था। इटावा परियोजना किससे संबंधित है, अगले प्रश्न बताना है? तो इटावा परियोजना का संबंध जो है ये ग्रामीण विकास से है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और इसका विचार जो है 1945 में, मतलब आज़ादी के पहले आया था 1945 में, और इसे 1948 में संयुक्त प्रांत यानी कि उसमें था नाम उत्तर प्रदेश का। तो इटावा से लगभग 11 मील दूर महेवा गांव एक था, महेवा गांव में जो है ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, इस परियोजना के प्रवर्तक थे अल्बर्ट मेयर, तो इसीलिए इसे इटावा परियोजना कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो है 1957 में प्रस्तुत किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य में ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ठीक है, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना, गाँव में उत्तरदायी क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, तो तीनों जो है इसका उद्देश्य रहा था। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किससे संबंधित है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अभी स्थानीय सरकार से संबंधित होगा, आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने
के लिए जो है निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो देखिए कट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस से हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी से हम जो है कॉपी करते हैं, सॉरी कॉपी किए गए डाटा को हम क्या करते हैं पेस्ट करते हैं इससे, पेस्ट, ठीक है। और कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं कॉपी करते हैं, किसी भी डाटा का जो सेलेक्ट होता है उसको हम कॉपी करते हैं। तो इस तरीके से आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए हम शीट टैब का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं शीट टैब, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इनबॉक्स, इनबॉक्स में जाएंगे वहीं पर देख सकते हैं, वहीं पर हम उसको क्या है सेट कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट कैटेगरी से संबंध रखता है? तो इफेक्ट कैटेगरी से इनमें से कौन सा संबंध रखने वाला कौन सा विकल्प है? तो वो है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू के का संबंध जो है इफेक्ट सीरीज से आता है, यहाँ आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से हम प्रयोग करते हैं हाइपरलिंक का, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म बताना है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बी ऑप्शन में लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है? इनमें से अगर देखा जाए तो डिफॉल्ट रूप से अगर देखेंगे तो वो होता है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव जो सेल रेफरेंस होता है डिफॉल्ट होता है। एमएस एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट में सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो वो होता है क्लीन, ठीक है। आंसर क्या जाएगा डी पार्ट, क्लीन जो फंक्शन है ये किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को क्या करता है हटा देता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं, ठीक है, केसिंग। तो एमएस वर्ड में जो कैपिटलाइज वर्ड टॉगल केस, सेंटेंस केस, केसिंग बदलने वाले फीचर हैं, जबकि अनकैपिटलाइज वर्ड केसिंग बदलने वाला फीचर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 में, एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के लिए जो है इसके बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन विकल्प का हम प्रयोग करते हैं इसके लिए स्विच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सेंट, इसका प्रयोग करते हैं सेंट का प्रयोग करते हैं। इनबॉक्स मेल बॉक्स में किसी के द्वारा भेजे गए मेल को हम किस में जाकर देख सकते हैं? तो इनबॉक्स में जाकर देख सकते हैं उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस सुविधा अथवा फीचर का प्रयोग किसी सेल के अंतर्गत आने वाले समस्त कंटेंट को एक से अधिक लाइनों पर प्रदर्शित करते हुए दृश्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हम करते हैं रैप टेस्ट, ठीक है, रैप टेस्ट करेंगे। और रैप टेस्ट का जो फीचर्स होता है इसका प्रयोग किसी सेल के जो है अंतर्गत आने वाले जो सभी कंटेंट हैं उसको एक से अधिक लाइनों पर जो है प्रदर्शित करते हुए दृश्यता प्रदान करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में किसी तालिका की सीमाओं, पंक्तियों और स्तंभों को खींचकर तालिका बनाने के लिए यानी कि चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम ड्रा टेबल का प्रयोग करेंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट के निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो लॉगिन करने के लिए हम टेलनेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। टेलनेट जो होता है इंटरनेट संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2000 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है? दिया गया पहला कि मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एम है, ठीक है।
तो देखिए ये गलत है, कंट्रोल प्लस एम से हम खोलते नहीं हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम का उपयोग हम इंडेंट को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ऑफिस बटन ओपन पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वो है, ओपन पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो से फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, तो ये बाकी सही है, ए पार्ट इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन जो होंगे आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से होंगे। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल जो है वो 2.7% है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है, उसको हम कौन सा क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तो सबसे उत्तरी भाग में जो उत्तर प्रदेश के पतली पट्टी के रूप में जो है स्थित है उसको हम किस नाम से जानते हैं ये बताना, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो इस वाले भाग को हम कहते हैं सबसे उत्तरी भाग को, पतली पट्टी को, भाभर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? भाभर क्षेत्र, ठीक है। और यह तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसको हम भाभर क्षेत्र कहते हैं, पतली पट्टी सबसे उत्तरी वाली। तो आंसर है बी पार्ट। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल किस ओर है? तो बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी या क्षेत्र का ढाल जो है ये उत्तर दिशा की ओर है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, उत्तर की ओर। प्रदेश के किस जिलों में सर्वाधिक और सबसे कम गर्मी पड़ती है? सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी की अगर हम बात करेंगे तो आगरा जिले में पड़ती है, सबसे कम गर्मी की बात करेंगे तो बरेली में पड़ती है, ठीक है। तो आगरा और झांसी में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आगरा और बरेली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आगरा और सबसे कम बरेली। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? में से राजघाट बांध कहाँ यमुना नदी पर बना हुआ है, जो कि गलत है। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, मातोतिला बांध बेतवा नदी पर। तो और बाकी सही है, ए पार्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एनटीपीसी की कुल तापीय परियोजनाएं कितनी हैं? तो एनटीपीसी की कुल उत्तर प्रदेश में तापीय परियोजनाएं जो है टोटल 5 है, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का जहाँ पर तांबा मिलता है और वो जिला है ललितपुर। ललितपुर का अगर पूछा जाए ललितपुर के कौन से क्षेत्र है, तो सोनरई क्षेत्र, ठीक है, सोनरई क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित किया गया है? ठीक है, दिया गया है गंगा वाराणसी, गंगा नदी किनारे, गोमती नदी किनारे सुल्तानपुर, कोसी नदी किनारे गोरखपुर, सरयू नदी किनारे अद्दा बसा हुआ, इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत ऑप्शन सी पार्ट हो जाए, कोसी नदी किनारे गोरखपुर नहीं बसा हुआ। कोसी नदी जो है वो बिहार में प्रवाहित होती है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए गोरखपुर जो बसा हुआ है ये राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि हमें गलत वाला बताना था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89 है, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, नगर जिला नगरीय विकास अभिकरण है, इनमें से कौन कौन से लखनऊ में इसमें वर्तमान में स्थित है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सभी चारों यहाँ पे अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो शेखा झील जो है भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है और वहाँ पर जो है एक ताजे पानी का झील है, ठीक है। ताजे पानी का क्या है ये झील है शेखा झील, यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के लिए जो है इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है और यह है एक मानव निर्मित जलाशय, इनमें से बताना है दोनों में से कौन सा सही है। तो आंसर की बात करेंगे तो सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। तो केवल दो आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर सरोवर रामसर स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आगरा जिले में, और यह मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा ये बनाया गया जलाशय है, ठीक है। इसे हम एक कीठम झील के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा सूर सरोवर को, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में किस जिले से प्रवेश करती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए गंगा नदी जो है वो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ये 28 जिलों से होकर बहती है, ये भी याद रखिएगा। इसके किनारे प्रमुख जो शहर बसे हुए हैं वो कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, वाराणसी कह सकते हैं,
कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है, ये सभी जिला जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर, पक्षी अभयारण्य, सरसई, नवर झील, सूरसर, मानसर झीलें, इसमें से बताना कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ जो सूरीसर मानसर जिले दिया गया है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो डी पार्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जो है ये स्थित है और ये जम्मू जिले में पड़ता है, जबकि सूर सरोवर आगरा में पड़ेगा, ठीक है। अभी ऊपर बताया इसको कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रायबरेली। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रायबरेली में, ठीक है। और सरसई नावर झील जो है ये इटावा में पड़ता है। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील दिया गया, स्थान दिया गया, सौज झील, मैनपुरी, ये मैनपुरी है, ठीक है, मैनपुरी, सौज झील मैनपुरी में स्थित है, ठीक है। तो जो कि सही है, शेखा झील अलीगढ़ में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, ठीक है, सही है। बखीरा झील संत कबीर नगर में, ये भी सही है। सरसई झील आगरा, अभी ऊपर बताया सरसई नावर झील इटावा में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो गंगा वाराणसी किनारे बसा हुआ, सॉरी वाराणसी जो गंगा किनारे बसा हुआ, सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे बसा हुआ, भी सही है। कोसी गोरखपुर गलत है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो है ये चंदौली जिले में पड़ता है, ठीक है, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी है, इसको भी याद रखिएगा, चंद्रप्रभा, ठीक है। और राजदरी और देवदरी ये झरने दोनों कहाँ पाए जाते हैं? चंदौली में। अगले प्रश्न में भी हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिठूर कहाँ गंगा नदी किनारे बसा हुआ है? तो सही है, बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में, ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, ये भी सही है। जौनपुर दिया गया है सही नदी किनारे, जो कि गलत है, जौनपुर जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, और कौशाम्बी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो मेगा टेक्सटाइल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये हरदोई जिले में स्थापित करने की घोषणा किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया, तो ये किया गया अमेठी जिला में, ठीक है। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नोएडा जैसा औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का यहीं पर एंड करते हैं वीडियो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।